वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्केलेटल सिस्टम, आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, आप उनके फंक्शंस पढ़ते हैं, आप अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, कहाँ से वो बने हैं, क्या वो काम करते हैं, क्या चीज उसके अंदर होती है, कैसे वो बनते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं चैप्टर्स में, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आप छोड़ देते हैं, जैसे कि एक्सियल में कितनी होती है, अपेंडिकुलर में कितनी होती है, और एक्सियल के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है, अपेंडिकुलर के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है ना। चलिए, तो आज हम इस लेक्चर में जो करेंगे वो यही सारी चीजें होंगी, बहुत ही मेन मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, 206, है ना। आपका सवाल, जो जवाब है आपका वो यही होगा कि 206 होती हैं हमारी बॉडी में हड्डियां। अब उन 206 हड्डियों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है एक्सियल, ठीक है, जिसके अंदर आती है 80 बोन्स। दूसरा होता है अपेंडिकुलर, जिसके अंदर आती है 126 बोन्स, है ना। 80 आती है एक्सियल में और 126 आती है अपेंडिकुलर में। एक्सियल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहला यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, हमारे ब्रेन से, हमारे फेस से शुरू होता है, दैट इज स्कल, ठीक है, स्कल। अब स्कल के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, आपका क्रेनियम और दूसरा आपका फेस। उसके बाद आते हैं वर्टिब्रल कॉलम, नेक्स्ट रिब्स, और लास्ट स्टर्नम। तो ये चीजें आती हैं आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर जो चीजें आती हैं, सबसे पहले आपके हाथ और पैर, दैट इज फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। उसके बाद पेल्विक एंड पेक्टोरल रिडल। तो ये चीज आती है आपके अपेंडिकुलर सिस्टम में। अब आते हैं मेन पार्ट पे। देखिए, जो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, उसका टेबल पढ़कर भी अगर आप एग्जाम में चले जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है ना। उसके लिए तो चैप्टर पढ़ना जरूरी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल बोन्स होती है 206, है ना। और उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन की अगर मैं बात करूं तो फीमर, दैट इज थाई बोन। शॉर्टेस्ट बोन की अगर मैं बात करूं, वो होती है आपकी स्टेप्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, मिडल ईयर में, ठीक है। उसके बाद फनी बोन कौन सी होती है, ह्यूमरस, क्योंकि हंसती है, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ इसका नाम है फनी बोन, हंसती नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की मैन में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है टिबिया, ठीक है, पैर की हड्डी टिबिया, ये होती है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट वर्टिब्री, आपको सबको पता होगा वर्टिब्री जो होता है उसके पांच टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होगा सर्वाइकल, सेकंड थोरेसिक, उसके बाद होता है लुम्बर, फिर होता है सैक्रल, और लास्ट आता है कॉकेज, है ना। अब ये जो लुम्बर पार्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट वर्टिब्री, सबसे लार्जेस्ट होता है ये वर्टिब्री। नेक्स्ट आते हैं स्कल में, हमारा जो स्कल होता है वो डायकोंडाइलर होता है, दैट इज 22 बोन्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। रिब्स की अगर मैं बात करूं, 12 पेयर्स होते हैं, उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 7 3 2, 7 होते हैं ट्रू, 3 होंगे फॉल्स, और जो बाकी बचे हुए 2 होते हैं वो होते हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट वर्टिब्री, एम्फीटेटाइन होती है और टोटल नंबर होगा 33। नेक्स्ट आते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला, है ना, वर्टिब्रल फॉर्मूला ये आ जाता है कभी कभी। सबसे पहले जो सर्वाइकल होती है वो होती है आपकी 7, उसके बाद थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सैक्रल भी 5, और कॉकिक्स 4। इसमें से जो कॉकिक्स है वो है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट आते हैं फेरेंगियल फॉर्मूला, दैट मींस आपके हाथ का फॉर्मूला, आपके पैरों का, दैट उसका बेसिकली आपकी उंगलियों का फॉर्मूला होता है। दो आएंगे थंब, ठीक है, दो होते हैं थंब, दोनों पैरों में भी और हाथों में भी। उसके बाद 3 3 3 3, है ना, ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, फेरेंगियल फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट वर्टिब्री होती है एटलस, सेकेंड वर्टिब्री होती है एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री ये एम्बेडेड होती है मेड्यूला, क्योंकि मेड्यूला से ही स्पाइनल कॉर्ड रिलीज निकलता है, तो इसीलिए एटलस जुड़ी हुई होगी आपकी सर से, आपके स्कल से, ठीक है। सेकंड होती है एक्सिस, उसके बाद बोन्स ऑफ पेक्टोरल रिडल,
जो आपका शोल्डर है ना, यहाँ पर होती है दो बोन्स, पहले क्लेविकल दूसरी स्कैपुला। क्लेविकल होती है ये वाली कोलर बोन, स्कैपुला शोल्डर बोन कहलाती है। ठीक है, क्लेविकल स्कैपुला और ग्लेनोइड कैविटी होती है जहां से ह्यूमरस आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, यहीं से ह्यूमरस आर्टिकुलेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बोन्स ऑफ आर्म। सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और यह है फैलेंजिस। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ये पीछे जो फिंगर से पीछे है, यह है मेटाकार्पल्स और आपकी फिंगर्स होती है फैलेंजिस। ठीक है, अब मैं पैर की अगर मैं बात करती हूँ, चलिए मैं पैर की खुद बता देती हूँ। सबसे पहले होती है फीमर, ठीक है, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजिस। ठीक है, लिख लीजिए। सबसे पहले होती है फीमर, फीमर, टिबिया, फिबुला, उसके बाद होंगे टार्सल, मेटाटार्सल और लास्ट फैलेंजिस। होती है आपकी पैर की हड्डियां। ठीक है, चलिए तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है और आपका जो मेन मेन पॉइंट है, जो आपके चैप्टर में जो हाइलाइट्स होते हैं, आपके जो स्केलेटल सिस्टम के जितने भी हाइलाइट पार्ट हैं, वो सारा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। थैंक यू।